नवाचार किसानों का जो पूरे हमारे कंट्री से आए हुए हैं, करीब 12 राज्यों के किसान इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारे बिहार के करीब किसान आए हुए हैं, और फिर गोरखपुर बस्ती ईस्टर्न यूपी से बहुत प्रेशर था कि हमारे स्टेट के भी किसान जाना चाह रहे हैं, और वहां से भी करीब 20 किसान स्टेट गवर्नमेंट ने भेजे हैं। तो पूरे देश के नवाचार कृषक आए जो अपने आप में अनोखे हैं सर, जिनके अभी हम लोगों ने एग्जीबिशन में देखा है कि उनसे डेफिनेटली हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, और उनकी अगर कुछ टेक्नोलॉजी को हम रिफाइन कर दें तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कुछ उनकी भी मदद कर पाएंगे और राज्य की भी मदद कर पाएंगे, देश की भी मदद कर पाएंगे। अधिक नहीं बोलूंगा सर, मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी आज सुबह से, मैं देख रहा हूँ जिनसे भी मिला हूँ सुबह से, बहुत ऊर्जा है रात से ही बल्कि, और जो छवि होती है कृषि विश्वविद्यालयों की या एक क्षेत्र की, उसको उससे भी कहीं ज़्यादा उत्साह, उत्सुकता, ऊर्जा और उल्लास मुझे यहाँ देखने को मिला, महसूस हुआ। मैं कद्र करता हूँ आप सबकी, जिन्होंने सुहाने जी और सब ब्रह्म और सभी लोगों की, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये बातचीत का, बहुत मील का पत्थर साबित होगी ये कॉन्फ्रेंस। मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, एक बहुत अच्छे स्थल पर हुई है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हुई है, इतने कम समय में इतना अधिक आपका प्रसार 180 देशों में आपकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, लोग 10-10 लाख लोग एक एक वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कभी सुना नहीं, ऐसा कहीं देखा नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ी संतोष की और तारीफ़ की बात है आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को, आपकी मीडिया टीम को, जिन्होंने ये काम शुरू किया है। प्रजातंत्रीयकरण होना विज्ञान का बहुत आवश्यक है विकास के लिए, समाहित विकास के लिए, जिसमें कहीं कोई पीछे छूटेगा नहीं। आपने उस विधा का इस्तेमाल किया जिसके अंदर किसी को कोई यहाँ ना भी आए तो भी उसको वही ज्ञान वहीं पर बैठे मिल जाएगा जो आप यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। ये एक बहुत तारीफ़ की बात है, मैं फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेरी और हमारे सभी साथियों के, हनीपी नेटवर्क के, सृष्टि, ज्ञान, NIF, सभी संस्थाएं आपके साथ मिलकर इस जुम्बिश को, इस मुहिम को बहुत नए, बहुत बड़े आयाम तक पहुँचाएँ, इसकी कोशिश हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। बहुत बहुत आभार। और हम लोग ने सोचित यही बनाया कि जब भी हम फाउंडेशन डे मनाएं तो फाउंडेशन डे मनाने के क्रम में एक प्रक्रिया होती है जो कि हम लोग सब देखते हैं कि फाउंडेशन डे के दिन कम से कम अपने आप को हम देखें, अपने आप को तौलें कि हमने एक साल में क्या किया, और आज के दिन में हम ये भी सोचें कि अगले साल हमको क्या करना है, और ये कह के प्रेजेंटेशन हो के नहीं होता है, अपने आप सोचें कि हमने क्या किया और हमने कहाँ हमारी कमी रही।
आज काफी मतलब अच्छा लग रहा है। जो विद्यालय लगातार 8 वर्षों के अपने लंबे सफर में और इस तरह से कम समय में जो बेहतर परिणाम दिख रहा है जाकर के, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि लगातार विश्वविद्यालय के द्वारा कई क्षेत्रों में शिक्षा का मामला हो, शोध का विषय हो, प्रसार का विषय हो या प्रशिक्षण का मामला हो, सभी क्षेत्रों में हमारे भाई शास्त्र प्रोफेसर जय कुमार सिंह जी के कुशल नेतृत्व पर बहुत बेहतर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया लगा, यहाँ थोड़ा गर्मी महसूस हुई परंतु लगा बहुत अच्छा, हमें अच्छा प्रबंध था यहाँ पे का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ का बंदोबस्त बहुत अच्छा है, सीख के जा रहे हैं। फिर हम सोचेंगे घर में जाकर फिर नया सा कुछ बनाने का कोशिश करेंगे, नया कुछ सोचने का कोशिश करेंगे, सोचेंगे तो ज़रूर। ठीक है।